है ज्यादा मेरा शरीर खींचे मोबाइल मैम लुक दिस कैमरा जो मैम लुक सेंटर जा नहीं रहा मैम या मैम दिस कैमरा यो यो ये फोन लेके क्या कैमरा बोल रहे हैं रुक जा प्लेट पीछा ना भाई मैम लुक दिस कैमरा मैम लुक हियर बाबू मैम सेंटर सेंटर दिस कैमरा मैम लुक हियर मैम लुक कैमरा मैम हियर मैम दिस कैमरा मैम दिस कैमरा मैम इतना इतना समो मैम 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 रे नंबर 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 मैम ओके मैम ये दे बगा मैम रे नीचे नीचे थैंक यू वापस आ गए लेकिन मैच करने मैम यहाँ पे मुझे नहीं देखा अरे इतना अच्छा नहीं मैम यहाँ मैम सेंटर सेंटर दिस 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 उसके सेंटर इधर देखो मैम यहाँ पे सौरभ अरे बाबू शिवानी जी यहाँ पे मैम दिस कैमरा यहाँ पे वाह
Look here, look here, look here, look here, look here. Excuse me, ma'am. Ma'am, सामने ऊपर. हाथ नीचे ले भाई. Center down. भाई इधर center. अच्छा जी. Look center. यहाँ पे यहाँ पे. Look here. Ma'am center center. Ma'am अभी यहाँ देखो मुझे. मुझे यहाँ पे. Ma'am अभी यहाँ पे. यहाँ पे. Samsung का. Ma'am यहाँ हाथ. This side. Ma'am यहाँ. अच्छा जी. Wait wait wait. Ma'am यहाँ नहीं देखा आपने. You don't look here. यहाँ पे. Ma'am यहाँ पे. Yeah yeah this camera here. रिचा लुकियो रिचा जी या यार रिचा जी लुकियो थैंक यू रिचा जी वेयर स्टार्ट प्लीज ए हर हर हर्ष उर्पी हर्ष अरे उर्पी जी उर्पी जी हाथ उठा रहे तेरा पीछे से जूम कर ले भाई कैमरा नहीं है क्या कर रहे हैं तुम लोग आए उधर बेचारा ये किधर है उर्फी जी उर्फी जी उर्फी किस कैमरा दो हाँ अल्फा उर्फी जी यहाँ पर उर्फी जी सेंटर मैम लुक यहाँ मैम यहाँ पे मैम सेंटर अप सेंटर अप मैम इस कैमरे यहाँ लुक यहाँ मैं ना जी यहाँ पे
चेहरा पे चलो ये घर की है और अब सर पीछे ले सेंटर सेंटर यहाँ पे डाउन कर थैंक यू सेंटर सेंटर टर्न बैक वंस मोर बैक टू फ्रंट आना जी बैक टू फ्रंट यस सुपर सेंटर मैम यहाँ पर
पीछे सब अरे मैम यहाँ पर मैम यहाँ सोलो सोलो करते हैं सोलो बोलो मैम यहाँ पर मैम डिसाइड मैम डिसाइड मैम मैम डिसाइड मैम 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 डिसाइड मैम डिसाइड मैम राइट साइड कैमरा क्या कीमत लेना सर जल्दी कैमरा के बीच में घुस करके
यार नहीं देगा भाई। ए भाई भाई मत लगा ना, काहे के लिए नहीं देगा बोल दिया। बच्चे नहीं ना, मत लगा भाई, मेरा फोन है। तू ऐसा कर रहा, ऐसा करने का, ऐसा खेलने का मेरे को पहले बोल दिया। खेल ले, देखो ऐसा करूं काकी ना, बताओ काकी ना। अनुपम जी ओनली वन बाइट, एक वन बाइट। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग द एंटायर टीम। रूपाली जी, रूपाली जी, रूपाली जी, रूपाली जी, रूपाली जी, इनको सेल्फी सेल्फी एक फोटो दे दीजिए। आपकी फैन है, आपकी फैन है। अरे मैं सब रुकिए ना, अरे ले लेते यार। अपार जी, यहाँ अपार जी, जमीन से जुड़े हुए लोग। अपार जी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं मेरे पूरे ग्रुप के साथ आया हूँ। अभी कुछ लोग थोड़ा सा लेट हैं, पर हम लोग आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। धीरे-धीरे आ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम बाद ग्रुप को एक साथ अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि एक साथ में मिलना सबको। कोविड में सब लोग घर पे गायब, कुछ भी नहीं हुए। आपके सामने ही है, कोविड के टाइम पे गायब थे, घर पे थे, वर्कआउट कर रहे थे, खुद का जिम बना लिए थे, और अभी सब अपने अपने कामों में उलझे हैं। सबकी फैमिली, सबकी एक पर्सनल लाइफ और सबका काम कुछ ना कुछ चल ही रहा है। रियल लाइफ में मैं ऐसे कोई इंडिविजुअल को ही, हम लोग एक पर्सन से इंस्पायर नहीं होते, हर एक बंदे से, हर एक कोई अलग अलग जन से कुछ ना कुछ अलग चीज़ सीखने को मिलती है। थोड़ा थोड़ा सब सबकी अच्छाई को हम लोग अडेप्ट करते हैं और सबको बहुत, जो भी काम अच्छा काम करता है उसको हम लोग एडमायर करते हैं। लोग सोचेंगे और सोचते ही रह जाएंगे, हम लोग आईफा अटेंड करेंगे, हम लोग अच्छा काम करेंगे, हम लोग बहुत ही जल्द अभी मेरे बर्थडे से पहले एनजीओ खोलेंगे, लोगों के लिए हम लोग काम आएंगे। तो लोगों का काम है बोलना और हम लोग का काम है काम करना। सोच है अपनी अपनी, हम लोग अपने काम से जवाब देंगे। तो आज यहाँ पे नहीं खड़े होते। बहुत अच्छा लगा, टास्क में तो वो किल कर रहा था और अभी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। अभी विनर कौन है पता नहीं है, पर हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फैसू जीते। इंशाल्लाह वही जीतेगा। यार मुझे अच्छा ये लगता है कि जब भी एक आर्टिस्ट किसी भी माध्यम से लोगों को खुशियाँ बांटता है और इस जर्नी में जब अवार्ड्स मिलते हैं तो मज़ा ही आ जाता है ना। तो मैं जैसे एज एन एक्टर, एज अ म्यूजिशियन खुशियाँ बांटता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और इस जर्नी में जब अप्रिसिएशन मिलती है एज एन अवार्ड तो मज़ा आ जाता है. वैसे ही जो इन्फ्लुएंसर्स है वो अपने अपने जरिए से अपने अपने तरीके से जब लोगों को एंटरटेन करते हैं और खुशियाँ बांटते हैं तो मज़ा आ जाता है. यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना 10 साल पहले जो करना मुश्किल था आज हर चीज़ पॉसिबल है ना. तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत सारे, ठीक है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो लोग एक छोटी ही तरीके से बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा देते हैं और बहुत एंटरटेन भी करते हैं. और एक एडिक्शन होती है लोगों की बोलने के लिए, तो लोग बोलते ही जाएंगे. उस ज़माने में भी लोग बोलते थे, अब भी बोलते हैं, आगे भी बोलेंगे. आई थिंक बोलने से ज़्यादा उन्हें सीखना चाहिए और जितनी जल्दी वो भी डिजिटल में चले जाए उनके लिए भी अच्छा है. क्योंकि आज अगर 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं हिंदुस्तान में, 1 बिलियन हो जाएंगे 2 साल में. तो अपने बारे में सोचो, है ना, अदर देन बीइंग अ ट्रोलर और दूसरों पे पॉइंट करो. अरे क्या है, इससे मज़ा नहीं. थैंक यू. I am very much excited to get my award here. I am very feeling blessed and I am happy. Youngest actor of the year. Sorry? My mom, dad and my family. Thank you. Ji boliye. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज के लिए. आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स सबको सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं अपने वीडियोस बनाने में, कंटेंट बनाने में. तो मिड डे को बिग थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये देखा और ये इनके टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड फंक्शन रखा है. मैं रियल लाइफ में इन्फ्लुएंस होती हूँ रणवीर और दीपिका से और रियल लाइफ में अपने आप से. आई फील लाइक ये लिव और लेट लिव का कॉन्सेप्ट लोग कब समझेंगे. जिसको जो जिसकी जो मर्जी, आई थिंक यू नो ही इज़ कम्फर्टेबल इन हिज स्किन एंड ही शुड डू वॉट ही डज बेस्ट. ही एंटरटेन्स एवरीबडी. तो I mean it's a good entertainment for all. I was not complaining. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक इट इज़ अमेजिंग टू ओन योर स्किन एंड टू ओन योर सेल्फ एंड हु बेटर टू डू इट देन रणवीर सिंह. आई थिंक यू नो ही ओन्स एवरी इमोशन सो लाउड एंड प्राउड दैट वाई नॉट ओन योर होल बॉडी लाउड एंड प्राउड. थैंक यू. आपने इंडिया और इंटरनेशनल एक ही चीज़ में कह दिया तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो भरपूर है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पेंडेमिक के बाद धीरे धीरे अवार्ड सेरेमनीज खुल रहे हैं तो ऑब्वियसली सब एक्साइटेड हैं, एक दूसरे को नवाजा जा रहा है, अच्छी बात है. मैं हर एक से इंस्पायर्ड हूँ. मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं इन कैमरामैन से इंस्पायर्ड हूँ, कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मिलते हैं आप उनसे इंस्पायर होते हो. रियल लाइफ में मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ कह देते हैं या कुछ करते हैं जिनको देख करके मैं इंस्पायर. यार ऐसे काफ़ी सारी फिल्में हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं. जैसे एक फिल्म है गैसलाइट जिसमें मैं, सारा अली खान, चित्रांगदा, विक्रांत मैसी हैं. एक फिल्म है वर्चस्व जिसमें मैं और रवि किशन नज़र आएंगे. एक फिल्म है एक कोरी प्रेम कथा जो एक सोशल सैटायर है. और फिर एक और एक फिल्म है जो मैं कल शूट कर रहा हूँ, जो जिसका मतलब घोषणा हो नहीं सकता इधर. तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कर रहा हूँ, उम्मीदें पसंद आएगी. Thank you.
I do not think of myself that as that self-important, that I should take that responsibility. I'm simply an actor. If people watch the work and like it, great. But to be responsible for influencing people is too big a thing, yaar. हम लोग बड़े साधारण लोग हैं, हमें चढ़ाया जाता है एक पैमाने पे क्योंकि हमें हम स्क्रीन पे नज़र आते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं हैं. बहुत एक्चुअल हीरोज हैं रियल लाइफ में, जो एक्चुअल हीरो कहला जाते हैं. वी आर नॉट दैट, वी आर नकली हीरोज. सो आई विल नॉट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने दिया है, थैंक यू वेरी मच, सबको थैंक यू, बट इट्स नॉट माई प्लेस टू बी इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंसिंग एनीबडी. मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ ब्यूटिफुल, हैट्स ऑफ टू हिम. और कुछ ये रणवीर सिंह जस्ट टेल मी अगेन, सॉरी आई कांट हियर. एक्साइटेड अच्छी बात है, आना, माहौल देखना अच्छी बात है, लोग अच्छे हैं, अच्छे वेल ड्रेस्ड है, उत्साह है. दो साल लॉकडाउन के बाद ये माहौल देखने में अच्छा लग रहा है. आई थिंक आप एक जन से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बहुत लोगों से, वातावरण से इन्फ्लुएंस होंगे और अपना पर्सनालिटी में इनकॉर्पोरेट करते हो. एक जन को नहीं, काफ़ी चीज़ों को, वही फिर आपकी पर्सनालिटी बनती है. मेरे हिसाब से ऐसा होता है. टाइम बाद इतने सारे लोग एक साथ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये है एक्ट्रेस ऑन OTT, बेस्ट एक्ट्रेस ऑन OTT फॉर कार्टेल. और कार्टेल मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं गला फाड़ फाड़ के सबको बताती हूँ. इट्स वन ऑफ माई बेस्ट प्रोजेक्ट. आई थिंक ऐसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होती हूँ मैं जो रियल हो और जो रील पे भी दिखती हो. आई रियली वॉन्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं आज भी सोशल मीडिया पे जो एक बनी बनाई लाइफ स्टाइल जीते, बट वो रियल नहीं होती है. एंड आई रियली लाइक पीपल एक्चुअली शोइंग द रियल लाइफ. हाँ जी, सोशल मीडिया मेरे लिए पॉजिटिव भी ख़राब है और नेगेटिव भी ख़राब है. मुझे लगता है कि कोई इंसान खाली नेगेटिव या ट्रोल्स देख के बदल नहीं सकता है. हो सकता है कि पॉजिटिव देख के भी बदल सके. मैं अगर रोज़ सुबह उठ के बोलूँगी कि हाँ मैं हर पिक्चर में इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है मुझ में घमंड आ जाएगा. तो एक टाइम पर पॉजिटिव भी इंसान को बदल सकता है. तो मेरे लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक ज़रिया है आप सब तक पहुँचने का. देखिए, जो लोग रणवीर सिंह को फॉलो करते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया पे, आप उनको फॉलो करते हो बिकॉज आप उनको पसंद करते हो. एंड वो अपनी ऑडियंस के लिए जो भी करते हैं वो उनकी चॉइस है. एंड आई गेस फैंस लव व्हाटएवर दे आइडल्स और व्हाटएवर दे फेवरेट्स डू. सो आई थिंक इट्स अ गुड फोटोशूट. आई मीन मुझे उसमें कोई खराबी नहीं लगी. इट्स हिज चॉइस, ही कैन डू व्हाटएवर. थैंक यू. Thank you. मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया अवार्ड है, क्योंकि जब आप काम करते हो और उसके लिए अप्रिशिएट किए जाते हो तो बहुत अच्छी बात है. और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बिलीव करते हैं आप में, तो एक असर्शन होता है कि आप में बिलीव कर रहे हैं और जो आपने किया है उसके लिए आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है. और मैंने न्यूज़पेपर लाइक मिड डे, सच अ बिग न्यूज़पेपर लाइक मिड डे डज दैट, एंड दे आर द मीडिया, राइट? सो व्हेन द मीडिया अप्रिशिएट्स यू
तो एक बहुत बड़ी बात है वो। क्या बढ़ रही है, किसकी? इन्फ्लुएंसर्स। ओ इन्फ्लुएंसर्स, ओके। मेरे हिसाब से सब कुछ देखना चाहिए, और जो तुमको पसंद है देखना चाहिए, जो नहीं पसंद है उसको मत देखो, बिकॉज दे आर देयर इन द सोशल मीडिया। तो आपकी मर्जी है, कोई नॉलेज बांट रहा है, कोई टेक्नोलॉजी बांट रहा है, कोई ग्लैमर बांट रहा है। अब हर एक इंसान अलग रहता है, तो उसकी पसंद क्या है उसके हिसाब से आप करिए। लाइफ में मुझे लगता है कि फोकस करने से ज़्यादा मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंस वही करता है जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। तो मेरे पेरेंट्स जो है मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। I think it's a very beautiful shot and it's very aesthetic and he looks great in it. It does not look cheap from any angle to me. I think it looks beautiful. And then he has such a good body. When you work so hard for your body and you have such a good physique, it's not easy to get a physique like that. So when you do that, when you work so hard for it, people should appreciate that. Hello. आप देख ही सकते मेरी एक्साइटमेंट। शुभम, सो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड संदेश नाउ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रैब द अवार्ड दैट आई एम गोना गेट टुनाइट। स्टाइल आई थिंक सो। मुझे अभी भी नहीं लगता आई कैन इन्फ्लुएंस एनीबॉडी, बट या आई मीन द काइंड ऑफ कमेंट्स आई रीड एंड यू नो आई मीन द यंगस्टर्स पीपल दे आर लाइक यू नो दैट व्हाटएवर आई एम आई डोंट नो या आई डोंट नो आई डोंट थिंक आई कैन इन्फ्लुएंस एनीबॉडी, बट यू नो आई ट्राई टू डू व्हाटएवर आई कैन यू नो माय बिट्स एंड माय पीसेस एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम ऑनर्ड यू नो दैट आई गॉट अ कम हियर एंड गॉट बी पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड्स। सो या मुझे मैं खुद आई जस्ट हैव टू लुक एट मायसेल्फ द मिरर एंड देन इट्स मी। पक्का करना पड़ेगा। क्या आ रहे हैं कि आज ये लोग कैसा
बस यही चलेगा। अच्छा देखिए, ये जो मिड डे अवार्ड है, इंडिया इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड जो है, हमने अभी दुबई में भी किया था और अभी हम लोग इंडिया में कर रहे हैं। सो और जो डैन्यू प्रॉपर्टीज़ है, इज़ माय ब्रदर रिजवान सचान, जो बिल्कुल जो आप आ, 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 जो मैंने अभी दुबई में अपार्टमेंट लिया है उनकी प्रॉपर्टीज़ में ही लिया है। सो ये अवार्ड इट्स ए नंबर वन अवार्ड, यू नो, ऑफ कोर्स अभी इंडिया में हो रहा है, दैट्स रियली नाइस। हम भी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। साहिल खान की सिस्टर, हेलो हेलो, आओ इधर, कैसे हो? साहिल खान सिस्टर, साहिल, या यस्टरडे वी मेट इन दुबई, हम लोग साथ में ही थे, क्लब में खूब डांस किया। या कंटिन्यू कीजिए। या श्योर, इन्फ्लुएंस डेफिनेटली। हमारी आजकल जो जोड़ी है ये भी एकदम हॉट कपल, ट्रेंडिंग कपल है, तो हम सबको इन्फ्लुएंस करते हैं डेफिनेटली। एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अवार्ड, एंड आज वी आर नॉमिनेटेड, एंड लेट्स सी वी आर गेटिंग अवार्ड और नॉट, आई डोंट नो, वी आर सो एक्साइटेड। या ये मुझे करते हैं, मैं इनको करती हूँ, ये मेरे हॉट रणवीर है, रणवीर सिंह है ये मेरे, क्यों? हाँ, रणवीर सिंह को क्यों ट्रोल होना है मुझे नहीं समझ में आता है। सिर्फ लड़कियों को ही अधिकार है क्या कपड़े ऐसे हॉट पहन के कपड़े निकाल के घूमने का? वाई नॉट मैंस? कल आदिल मुझे कहे कि मुझे रणवीर सिंह की तरह कपड़े उतार के फोटोशूट करना है या जाना, आई विल अलाउ हिम, आई विल अलाउ हिम, मे बी आई विल अलाउ यू, रियली। लेकिन अभी निकालू, मैं अभी निकालू, डेमो दिखा दूँ, ऑफकोर्स आई विल अलाउ यू। देखिए उसे भी आज़ादी है, ही हैज़ अ बेस्ट बॉडी, और हमारी आंखों के ठंडक के लिए कुछ तो चाहिए, दिल के ठंडक के लिए। तो हाई गर्मी, हाई गर्मी, उन्हीं को देखकर ही मुझे पहले ये सॉन्ग जो हाई गर्मी है वो रणवीर के लिए ही है, एंड आई फील ही लुक्स सो हॉट। सो उसके बारे में क्रिटिसाइज करना बंद करें, थैंक यू। जी ओके, यस, एक्साइटेड हैं। सी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी कंट्री में इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड द टर्म इन्फ्लुएंसर अगर आप देखेंगे वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज आपके हाथ में पावर है, और जब आपके हाथ में पावर होती है तो आप उसको अच्छे के लिए यूज़ करें और उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए, सो वो बहुत ज़रूरी होता है, एंड इन्फ्लुएंसर्स आर आर कंट्रीज फ्यूचर, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मैं खुद ही अपने आप को सी एज आई सेड, आई मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है अपनी कंट्री की, मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है अपनी कंट्री की, मुझे अपने रूट्स बहुत पसंद है, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, मुझे जियोपॉलिटिक्स बहुत पसंद है, तो मैं नॉलेज एक्वायर करता हूँ और अपने ओपिनियंस खुद फॉर्म करता हूँ, एंड मैं अपने आप को खुद ही यू नो एनलाइटन करता हूँ, सो आई डोंट थिंक आई कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। नहीं अभी तक नहीं। सी आई थिंक अगर आप एक पोजीशन में हो जहाँ पर लोग आपसे जलते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी खड़े होके यहाँ नहीं खड़ा हो सकता,
जो यहाँ खड़ा है उसको अगर हेट मिल रही है और वो अगर ट्रोल हो रहा है तो ये बड़ा पर किया। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी 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 सर, वो रणवीर सिंह है, वो आज के सबसे बड़े ए लिस्टर हैं, फ्यूचर के सुपरस्टार हैं, अभी के सुपरस्टार हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो ना देखे, ठीक है। हम यू नो दिस इज समथिंग दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, एंड मैं वही कहना चाहूँगा कि एक रणवीर सिंह के आगे ट्रोलर्स की क्या औकात। थैंक यू। ये हमारी बिग बॉस की कहानी है, हमारी बिग बॉस के बाद की कहानी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मिड्डे को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टुडे। क्या रियल? मुझे सबसे ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस करता है तो वो हैं मेरे आसपास के लोग, क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, और मेरे फैंस मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अगर आपको लगता है वो बुरा है तो समझ देखिए, अगर आपको लगता है आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपने पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए। कौन आपको हेट कर रहा है, कौन आपको ट्रोल कर रहा है, दैट शुड नॉट बॉदर यू। फिल्म के बारे में, अभी फिल्म जब आएगी अच्छे से तो मैं उसमें यू नो अच्छे से उसके लिए बात करूंगा, बट बस मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बेस्ट विशेस दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें कि मैं अच्छे से वो फिल्म करूं, और आप लोगों को फिल्म बहुत पसंद आए जब वो पूरी बन जाए। थैंक यू सो मच। जाऊं मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिजी हो, क्या करूं? आप ही ने बोल दिया आप ब्यूटीफुल लग रही हो, तो अब मैं क्या बताऊंगी। इट्स अ मोमेंट इंस्पायर्ड आउटफिट एंड इट्स मेड बाय भावना राव, और लकीली मेरी बॉडी पे ये सूट कर गया और मुझे फिट हो गया, इसलिए मैंने पहन लिया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दूसरी बात, इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स है तो खुशी इस बात की है कि हर किसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मतलब छोटे से छोटे काम से बड़े काम को लेकर, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अप्रिसिएशन नहीं होगा तो शायद इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा दब जाएगा, उसको ऐसे लगेगा कि शायद वो सही नहीं कर रहा है, बट एक अप्रिसिएशन टेक्स यू अ लॉन्ग वे। अब सबको मुंह दिए है तो बोलेंगे, हमारा काम है, कान हमको दिए, किसकी बातें सुननी है किसकी नहीं सुननी है वो हम पे डिपेंड करता है। अब उनको नाम ही ट्रोल दिया गया, उनका काम ही है वो करना। थम्स अप, आई रियली लव द पिक्चर्स एंड आई थिंक रणवीर इज द मोस्ट आउटस्पोकन पर्सन, और वो एक्सप्रेसिव है बहुत ही ज़्यादा, एंड आई थिंक दैट ही शुड बी द वे ही इज़। उनको जो समझ में आता है, उनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो अपनी आंखें बंद कर ले, सिंपल एज़ दैट। थैंक यू। मिस्ट्री ऑफ टैटू, मिस्ट्री ऑफ टैटू, एलिफेंट इन द रूम, एंड देयर इज अ वेब सीरीज व्हिच इज़ गोइंग ऑन फ्लोर्स इन सितंबर। थैंक यू। धन्यवाद।
तो आया ये अवार्ड्स ऑफ मिड डे हमको बहुत खुशी है कि वी हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट फॉर कपल ऑफ थिंग्स और अनमोल और मैंने हमेशा से हमारे पर्सनल ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखा था आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल के लिए हमने ना तो किसी भी मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया ना कोई कोट भी दिया एक फ़ोटोग्राफ भी साथ में नहीं दिया फिर पैंडमिक के बाद आई थिंक सबकी सोच थोड़ी बदल गई तो मैंने भी अनमोल को जाके कहा कि आई थिंक वक्त आ गया है हम अपनी लव स्टोरी क्यों ना हम अपनी लव स्टोरी दुनिया के साथ शेयर करें एंड लेट्स डू इट इन अ वे एंड मैनर लाइक नेवर डन बिफोर लेट्स टेक पीपल थ्रू आवर जर्नी through all those scenes and situations in that very locations where it happened. तो ये आपके लिए couple of things है और आज हमारे लिए वाकई ही I think it's an honor that IIIA has recognized the potential of the originality of the concept for couple of things. देखो यार दिल्ली का एक लड़का थिएटर में विवाह फिल्म देखने गया और उस लड़के को विवाह फिल्म की हीरोइन से प्यार हो गया आपको भी किसी हीरोइन से प्यार हुआ होगा सबको किसी ना किसी हीरोइन से प्यार हुआ था भाई लोग सबको हुआ था पर मेरे केस में डिफरेंट ये है कि हीरोइन को मुझसे भी प्यार हो गया ठीक है ये डिफरेंट था तो हमने अपनी स्टोरी सबको अपने चैनल के थ्रू बताई और आई थिंक क्योंकि जिस सच्चाई के साथ जैसे हमारी लव स्टोरी थी हमने उतनी सच्चाई के साथ बताई तो सच्चाई से जो चीज़ का वो लोगों के दिलों तक पहुँचती है एंड दैट्स द रीज़न हमारे चैनल को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल्स का एक खिताब मिला तो प्यार से प्यार फैला रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलकर और प्यार फैलाएंगे मैं किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं रियल और रियल लाइफ में आई थिंक यंग अचीवर्स जो है उन्होंने मुझे हमेशा इन्फ्लुएंस किया है एंड आई थिंक वी सी अ लॉट ऑफ देम टुडे ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स सो व्हेन मिड डे IIIA जैसा अवार्ड पेश करता है तो इट ऑल फॉल्स इनटू प्लेस इट मेक्स सो मच सेंस बिकॉज ये आज के दौर का अवार्ड है देखो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहें यू नो आई थिंक बेस्ट पार्ट ये होता है कि वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर टू होल्ड आवर ओन थॉट आवर ओन पर्सनैलिटी विदाउट बींग स्केर्ड ऑफ बींग जज्ड ये सबसे बड़ा एक यू नो अचीवमेंट हमारे जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो हासिल कर रहे हैं धीरे धीरे यू नो बेफिकर हो रहे हैं टू स्पीक देयर माइंड्स एंड हार्ट्स और जो फोटोशूट रणवीर सिंह ने किया है हमारी जनरेशन का मुझे लगता है कोई और एक्टर नहीं है जो इससे बेटर इस तरह का फोटोशूट कर सकता था आई थिंक ही लुक्ड रियली ब्यूटीफुल एंड इट इज़ हाई टाइम दैट इवन गाइज शुड सेलिब्रेट देयर बॉडीज विच इज़ वेरी गुड थैंक यू भाई बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद एक छुट्टी मना के आई हूँ सो अच्छा लग रहा है एंड वेरी हैप्पी टू रिसीव द OTT स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड ये साल मेरे लिए बहुत खास रहा है बिकॉज मेरे दोनों शोज ब्रोकन न्यूज़ और गिल्टी माइंड्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उसका सो आई एम हैप्पी टू बी हियर मीडिया के पास आ रहे हो तो सब कुछ
ये एक एक्टर की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होता है, आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं और जो आपको जिससे आप कुछ सीख सकते हैं वो आप ले सकते हैं, सो इट्स इंडिविजुअल, सब पे निर्भर है। माई पेरेंट्स, आई थिंक ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, सो आई एम मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई माई पेरेंट्स एंड द ग्रेस दैट दे कैरी देमसेल्फ्स। ये सवाल मैंने देखा, आपने सबसे पूछा और सब आंसर आपको वही दे रहे हैं। आई मीन ये चर्चा की बात ही नहीं है, सब चीज़ों का एक एस्थेटिक होता है एंड वी लुक ग्रेट, सो देयर इज नथिंग मोर टू से अबाउट दैट। मैम, ओटीटी की बात करूँ, काफ़ी डिफरेंट रोल में आपको देखा है, बट पीपल वांट टू सी यू एंड योर डैड वर्किंग टुगेदर इन अ ओटीटी, आप किस तरह से देखते हो इसके बारे में? वेल, ओ टी टी हैज़ बिन अ गेम चेंजर फॉर मी, मेरे लिए, मैंने जो भी काम किया है मेनली ओ टी टी पे किया है, बट अभी मैं फिल्में भी कर रही हूँ एंड येस इट विल बी वंडरफुल इफ आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टू ऑल्सो वर्क विद माई पेरेंट्स, एक अच्छी स्क्रिप्ट हो तो क्यों नहीं, इट वुड बी लवली, आई लव दैम एज एक्टर्स नॉट जस्ट एज माई मॉम एंड डैड। थैंक यू। इस साल मेरे दो कॉमेडीज भी आ रहे हैं, सो वन कॉमेडी फिल्म और एक कॉमेडी सीरीज, सो या एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर है, इटली से, इनको भी अवार्ड मिला। हाय, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड रिगार्डिंग दिस अवार्ड, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज ऑनर गेस्ट हूँ। मैं इटली से हूँ, आई एम फ्रॉम इटली एंड आई एम सीरियसली अमेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई लव मी डे बिकॉज इट्स ऑल्सो एन इंटरनेशनल प्रेस, तो मैं आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस। Actually, my people are mainly related to music because I'm the founder and pioneer of Bollywood opera style, which is the first time ever fusion between opera and Bollywood music, for what I also got the Indian Women Awards trophy. And being a foreigner, it's something that really amazed me because before me, only to Mother Teresa it was given in India, so it's really, really lovely. Yes, I wish all the most beautiful things on 15th August because it's the Independence Day of India and this is an amazing, beautiful country. So I'm really connected spiritually to India and I really, really wish all the best for the 15th August. May be this day really positive for all of you guys. Sorry, yes. Congratulations, that's all I'd like to say because I think this is the way forward where influencers have really changed the markets, changed the way we look at social media or we look at content, and it's incredible and much deserved. आई थिंक वो अपने हिसाब से वो खुद स्टार्स हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई उनको प्लेटफॉर्म दे, उन्होंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म और अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट की है, जो मुझे लगता है बहुत ही इनक्रेडिबल वे है अपने आप को लॉन्च करना, बिकॉज यू नो देयर वाज अ प्लेटफॉर्म एंड दे मेड द राइट यूज़ ऑफ दैट प्लेटफॉर्म एंड आज हम उन्हें जानते हैं, आज हम उन्हें अपनी फिल्मों में ले रहे हैं, आज उनको शोज़ में हायर कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं, सो आई थिंक व्हाट दे हैव डन इज़ एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। मैं रियल लाइफ में मेरी माँ से, रियल लाइफ में मिस्टर बच्चन और नसीरुद्दीन शाह, दीज आर द टू पीपल हु इन्फ्लुएंस मी द मोस्ट इन माय लाइफ एंड माय करियर। मैम, लोग टू की मैं बात करूँ, पहली बार आपके नेगेटिव रोल किस तरह से देखते हो नेगेटिव किरदार को, क्योंकि हमने आपको काफी अलग अलग डिफरेंट किरदार पर नेगेटिव रोल का नेगेटिव साइड कभी नहीं देखा, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज मैं आई वॉज लुकिंग फॉर अ
a lead into playing you know a character negative space जो मुझे लगता है कि मुझे आज तक ऑफर मुझे काफ़ी ऑफर्स हुए हैं लेकिन वो मुझे कभी पसंद नहीं आए थे बिकॉज आई डिडंट थिंक दे वर इन द राइट टोन ऑल्दो आई प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर अवरोध में लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही ह्यूमन साइड थी उसकी एंड मुझे बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट नीरज कभी से मिला था वो मेरे टीचर रह चुके हैं मेरे गुरु रह चुके हैं और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यू नो यू ब्रॉट अ वेरी ह्यूमन साइड टू परवीनाज कैरेक्टर विच आई थॉट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आई गॉट फ्रॉम यू नो हु समबडी हुज माई मेंटर हुज माई टीचर एंड ऑल्सो अ को एक्टर इन द शो एंड एब्सोल्युटली अ स्पेक्टेक्युलर एक्टर सो I look at it as an opportunity and I'm very happy that I got a foot in the door on that. Can one of y'all ask? Yeah. Sorry, upcoming projects. I have a film with Mr. Bhandarkar releasing and a film with Revati ma'am releasing. Last question? Yeah. What is that? That art visuals. I know visuals. Okay. Yeah, yeah. Okay. Over again. Okay. Are we rolling? Yeah. Actually, I'm super excited because they're like, you know, first time maybe influencers ka award mil raha hai. And I'm getting one award also, so that's why जो जितना भी इट्स बीन लाइक फोर ईयर्स बहुत जितना भी मैंने वर्क किया था अपना सोशल मीडिया पे एंड नाउ आई एम अचीविंग समथिंग फॉर माय वर्क सो आई फील प्राउड कैटेगरी मेरा फैशन आइकन ऑफ द ईयर वो मुझे लास्ट टाइम मिल चुका था कहीं और दैट्स व्हाई कॉम्पिटिशन एक्चुअली हर जगह एज एन एक्टर एज एन डांसर एज एन इन्फ्लुएंसर बट इट्स अप टू यू वॉट यू आर इन्फ्लुएंसिंग एग्जैक्टली यू नो इफ यू आर इन्फ्लुएंसिंग अबाउट योर डांस योर पैशन यू नो योर फैशन इन्फ्लुएंसिंग सो सारी कैटेगरीज अलग है लोगों की सारे इन्फ्लुएंसर डिवाइड हैं अपने में वो अपना बेस्ट देते हैं मैं अपना बेस्ट देता हूँ सो कॉम्पिटिशन मैं अपने आप से रखता हूँ किसी और से नहीं I'm getting the award for the first time. So I'm very much excited. Best grooming influencer. Who influences you the most? My best friend. Real life is that Priyanka Chopra. And in real life, my friends and all. कॉम्पिटिशन इज इन हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है वेदर यू आर एक्टिंग वेदर यू आर डांसिंग वेदर यू आर इन्फ्लुएंसिंग समथिंग हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है सो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड दैट्स इट बेस्ट इज लक थैंक यू बाय I am very very excited and first of all very grateful that I am invited to be a part of this and yeah it looks really nice so many lovely beautiful faces here so many famous people and nice to be around with them and dressed up हाँ
नो आई फील लाइक टैलेंट इज टैलेंट, चाहे वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जो भी मीडियम पर हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, बड़े पर्दे पर हो, टीवी पर हो. आप सब ने मुझे टीवी पर देखा है, साउथ की फिल्मों में देखा है. तो एक्टर तो अपनी परफॉर्मेंस हर जगह कर सकता है. हमें मुद्दा ये है कि हमारी ऑडियंसेस एंटरटेन हो. और अगर आज ये जो इवेंट है, ये सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, तो मुझे लगता है इट्स वेरी नाइस कि उन्हें प्रोत्साहन मिले एंड नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मैं भी उसे प्रमोट करूँगी, कहीं ना कहीं मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, चाहे टीवी के ज़रिए, चाहे फ़ोन के ज़रिए, चाहे फिल्मों के ज़रिए. मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा एक अच्छा इन्फ्लुएंस रखूँ सोसाइटी पर. हाँ जी. देखिए, मैं तो पैदा ही हुई हूँ इस इंडस्ट्री में, 7 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हूँ. तो मैं हमेशा अपने लेजेंड्स और अपने आइडियल्स को अपने सामने देखती आई हूँ. मैं हमेशा से प्रियंका चोपड़ा से बड़ी इंस्पायर्ड रही हूँ, दीपिका पादुकोण से. तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है. और जिस तरह से भी अपनी दुनिया, नो लाइक द सोशल मीडिया इज़ ग्रोइंग, इट्स वेरी नाइस. कई सारे टिकटॉकर्स भी हैं, कितने रीलर्स हैं, सो विच इज़ नाइस. आई फील लाइक फैशन बहुत ब्लेंड हो रहा है, अलग अलग सोच मिल रही है, कितने सारे डांसर्स फेमस हो रहे हैं, सो इट्स अ फन थिंग. मेरे ड्रेस के बारे में, ओके, आप सब मुझे शायद आप कुछ लोग मुझे इस वक्त स्टार प्लस के शो बनी चाओ होम डिलीवरी में देख रहे हैं रोज़ 9 बजे. और मेरी साउथ की एक फिल्म आई है अभी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे, मॉडर्न लव हैदराबाद. तो आप मुझे अपनी दुआएं दीजिए. तेलुगु फिल्म और टीवी इंडस्ट्री साथ साथ चल रहा है, एंड आई होप आई मेक इट टू द बॉलीवुड सून. थैंक यू सो मच. Thank you so much for all these loving things, supporting me, my girl. These are my friends. थैंक यू. आई मीन, आज मुझे अवार्ड मिल रहा है स्टाइल एंड फिटनेस आइकॉन का. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर टेलीविजन इंडस्ट्री में मेरा नाम लिया जाता है तो फिटनेस के साथ जुड़ के ही लिया जाता है, बिकॉज आई एम अ फिटनेस एडिक्ट. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई फिटनेस एंड आई वर्क हार्ड फॉर इट. मेरा लाइफ में एक ही मंत्र है, फिटनेस इज़ लाइक अ रिलेशनशिप, यू कांट चीट ऑन इट एंड एक्सपेक्ट इट टू वर्क, यू नो. एंड अ वेरी फिट एंड हेल्दी बॉडी इज द अल्टीमेट स्टाइल स्टेटमेंट. तो आई लाइक टू इंस्पायर एवरीबडी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई सोशल मीडिया, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन आई एम गेटिंग दिस अवार्ड टुडे. सो अ बिग थैंक यू टू एवरीबडी हू फॉलोज मी. इट्स अ वेरी डिफरेंट लुक. इन फैक्ट शिवानी शराली जो मेरी स्टाइलिस्ट है शो के, वो पहले भी दिव्य दृष्टि मुझे स्टाइल कर चुकी है, एंड आई वॉज द स्टाइल आइकन दैट टाइम. I'm sure this time also I will influence people with respect to fashion and style, and I'm grateful ki mujhe yahan pe award mil raha hai is cheez ke liye, for being an amazing actor, for being a stylish actor, and I'm feeling great, I'm feeling ecstatic. Lastly, when we guys are going to see you once more together, hopefully very soon, something is in the pipeline jo ki hum dono saath mein karne wale hain. To Raksha Bandhan ke jitne fans hain jo hamari chemistry, hamari on screen jodi ko miss karte hain, उनके लिए एक छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी सी ट्रीट बहुत जल्दी आने वाली है. थैंक यू, थैंक यू. मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंसर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि ये कैटेगरी जो इन्फ्लुएंसर्स की जो बनाई है, स्पेशली जिनको अवार्ड मिल रहा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव. बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हम सब के बीच में बहुत ही बड़े हिस्से बन चुके हैं, चाहे वो म्यूज़िक वीडियोज़ हो उनको, चाहे वो खुद की कॉन्टेंट मेकिंग हो, चाहे वो फिल्म प्रमोट करना हो, तो सारी चीज़ों में इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है आजकल. सो आई थिंक आई एम हैप्पी दैट दे आर बीइंग अवार्डेड, एंड इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है मिड डे ने और आप सब लोगों ने. काफी रोमांटिक है, रोमांटिक कपल है, बट जो आवाज है वो उससे भी ज्यादा रोमांटिक है.
देखो मतलब बहुत ज़रूरी है कि अगर दो एक्टर्स उसमें आके अच्छा एक्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी आवाज़ को आना बहुत ज़रूरी है। जब भी वो जस्टिस मिलता है तो कहीं ना कहीं बारिश आई है। मैं जैसे ये करण है तेजस्वी ने जो इतना बढ़िया वीडियो किया तो उसके लिए एक बढ़िया सा एक ऑडियो चाहिए था और एक अच्छी आवाज़ चाहिए थी। जो मुझे लगता है कि आपको एक रोमांटिक फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं रोमांटिक फील करूँगा तो आप बाकी लोग भी रोमांटिक गानों को फील कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स द सेम थिंग। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। द बेस्ट पार्ट एक छोटी चीज़ रिवील कर देता हूँ। सो द सॉन्ग विल बी रिलीज ऑन सारेगामा एंड मोहसिन और मैं एक गाना लेकर आ रहे हैं। करण और मेरा जो गाना आ रहा है इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट्स अ लव सॉन्ग। आई थिंक ऑलरेडी आधी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चल चुकी है बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। आई थिंक देयर आर फिल्म सॉन्ग्स कमिंग दिस वीक। आई होप जल्दी से आ जाए। नाम रिवील नहीं कर सकता बट इट्स अ बिग फिल्म। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक कोई भी अवार्ड्स होता है हमेशा, कोई भी अवार्ड्स अंकुर, कोई भी अवार्ड्स होता है सबके लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने वही कहा कि अगर आप नॉमिनेटेड हो वही एक रिवॉर्ड होता है, अवार्ड तो आइसिंग ऑन द केक होता है। सो इट्स अमेजिंग। मेरी मॉम, मेरी ग्रैंड मदर जो अभी है नहीं, मेरे डैड जो अभी है नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा सा 10 साल का बेटा, सबसे मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ। और इन्फ्लुएंस मतलब एक रियल लाइफ में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मतलब फ्लाइट पे हो, ट्रेन में हो या कहीं चल रहे हो, आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो। यू कैन टेक स्मॉल थिंग्स फ्रॉम एवरीवन ना। सो मेरे सॉरी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आई नेवर टॉक अबाउट, सॉरी, व्हेन दे कम देन आई विल से दैट इट्स कम। थैंक यू। ओके थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑल्सो आई थिंक अवार्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका होता है सबकी मेहनत को अप्रिशिएट करने का, और इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स है एक नया कुछ आ रहा है। एंड आई थिंक एज एक्टर्स वी हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंसर्स। हम अपने किरदारों से, अपने शोज से सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अनदर प्लेटफॉर्म टू रिकोगनाइज, टू शेयर आवर पॉइंट ऑफ व्यूज, और एंड आई थिंक हम बहुत सीरियसली और रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को लेना चाहिए। एंड आई जस्ट ट्राई टू डू दैट। मैं एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स लाइक आलिया भट्ट से मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस होती हूँ काम को लेकर, द वर्क दैट शी चूजेज, द रोल्स दैट शी चूजेज। ऑल्सो एकता कपूर जो कि मेरी मेंटोर मैं मानती हूँ, उनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस होती हूँ। सो यस थैंक यू। तू नहीं, तू इधर दे। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग सो मेनी सेलिब्रिटीज, अ वंडरफुल इवेंट। लुकिंग रियली रियली फॉरवर्ड, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस इवेंट। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यस यस यस। तो आई थिंक अगर आप अवार्ड ले रहे हो तो यू शुड बी केपेबल कि आप किसी को सामने मोटिवेट या इंस्पायर कर रहे हो, तो आपको देख के किसी और को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए और मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि आपने कुछ किया है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं बेस्ट इंटरनेशनल इंस्पिरेशनल मॉडल का अवार्ड मुझे मिल रहा है and I hope I inspire the world. Thank you so much Midday for this opportunity and IIA. Thank you. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले तो congratulations. अरे क्या बात है भाई, शादी में उसकी शादी हो गई। हाँ, अरे party कर रहे। अरे अरे अरे, तभी इतना चमक रहे हो आप, क्या बात है। हाँ पूछिए, अब आप ही पूछिए। आपको कंग्रेचुलेशंस मैम। हाँ जी 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 जी। वेल 83 समथिंग, तो यू नो ऑब्वियसली हमें बहुत पसंद आई थी, हमारे दिल के बहुत करीब है। आप बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फिल्म आपके भी दिल के करीब होगी। व्हाट डू यू वांट टू से टू पर्सन हैव रिसीव्ड
No, I feel the 83 journey for all of us, not only for me, for everybody who was part of the team, for Ranveer, me, Tahir, Amy, Hardy, Nishant, Jatin, Adi, Badri, Chirag, Pankaj sir, Baman sir, Neena ma'am, all of us. I think the journey has just been something else only. It's a dream come true, to be really honest. For somebody like me who's always wanted to be a cricketer, to have gotten the opportunity to win the World Cup for the country, there's no greater joy in that. And to be etched in history forever, to be part of a film that celebrates the 1983 victory, will always have a special place in my heart. So yes, it means a lot when you get awards for your work, and especially for that work that's really close to your heart. So what's the special part of attending an award night for you? Special thing is to meet all you lovely guys, yaar. Abhi dekho, pata chala aapki shaadi ho gayi. Phir agli baar aaunga, bolo ye bachcha ho gaya. To matlab aise aise update hota rehta hai. To acha lagta hai aise milna julna. Ye meri highlight hai. Because I'm not a guy who really goes out of the house. If I have nowhere to go, main apne ghar mein, apne kutte ke saath, apne ghar walon ke saath bahut khush hoon, apne doston ke saath. For me to come out here, it's also to meet people I work with, people from my fraternity, from press. It's very important when I have to come for an event, because warna main baaki logon se milta nahi hu. So mujhe bahut acha lagta hai yaar event pe aana. Apne papa se yaar, cause I've seen his journey. I've seen from where he began to where he is right now, and I get very inspired by him. And of course, I have inspiration at home. I have my sister, who I look up to a lot because of the kind of work she's doing. And everybody, yaar, I feel like aapko inspire hone ke liye na, jo dusra banda hai jisse aapko inspire hona hai, wo zaruri nahi hai wo successful ho. But aap choti choti cheezon se inspire ho jate ho. Jab aap set pe jate ho, aapko bahut log milte hain jo aapse junior hote hain, jo light department mein kaam kar rahe hote hain, wo aapko life ki aisi seekh de jate hain. आपको सोच के लगता है यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. सो आई फील लाइक इंस्पिरेशन इज ऑलवेज देयर, इट्स फॉर यू टू फाइंड इट एंड लुक फॉर इट, दैट्स इट. यार भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, वाहेगुरु का और जीसस का, सबका मिला के बहुत शुक्र है कि आज तक मैं ट्रोल नहीं हुआ हूँ. मुझे इतनी कभी नफरत नहीं मिली है लोगों की, हमेशा प्यार ही मिला है. बट टू बी रियली ऑनेस्ट, सच्ची बोलूँ, हमने ना सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन लाइफ, बट हमने उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि जो एक्चुअल लाइफ है उससे ज़्यादा कभी कभी हम उसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं. मोर देन फॉर इंस्टेंस, अगर हम कहीं कुछ खाना खाने जाते हैं, खाने से पहले हम उसकी फ़ोटो खींचते हैं और पहले डालते हैं. हमने पहले खा तो लो, पहले डिसाइड तो कर लो कैसा है. So I don't take social media too seriously. I enjoy it. I think it's an important tool to connect to people, to let people know what you're thinking, how you're feeling, and that's about it. It's not life. So never to take it too seriously. Just have fun. That's how I take it. नहीं नहीं बहन है मेरी यार सच्ची. हाँ जी. हुमा इज़ नॉट वेरी सोशल मीडिया सेवी. आई कीप टेलिंग हर, मैंने कहा ये पोस्ट पे ये कैप्शन नहीं हो सकती. बट मैं भी ऐसा नहीं था. आई फील लाइक लॉकडाउन ने मुझे ऐसा बना दिया. कॉज जब आप लॉकडाउन में होते हैं और आपके पास कोई काम नहीं होता, आप पूरे दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं. बट आई थिंक यार सोशल मीडिया इतनी जल्दी से चेंज होता है ना, आप रात को सो और सुबह उठो, कोई नया ट्रेंड होता है, कोई नई चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, नई रीलें आ जाती है, नया गाना सुपर हिट हो जाता है. सो समटाइम्स आई फील कि बहुत फास्ट चल रहा है. सो टू मैच अप टू इट, कभी कभी मैं पीछे रह जाता हूँ, पर कोशिश करते रहिए, हमारा काम है कोशिश करना. यार कभी कभी क्या होता है, मैं इंस्टाग्राम को ना ब्लैक होल बोलता हूँ, कि कभी कभी आप एक्सप्लोर बटन पे जाते हैं और फिर आप खो जाते हैं उसमें, फिर रियलाइज होता है अरे एक घंटा हो गया मैं ये रीले ही देख रहा हूँ. सो आई थिंक अब नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डेडिकेटेड अबाउट 45 minutes to an hour in the whole day that I spend on social media, because I feel like करना तो actually काम है ना, करना तो shooting है, करना तो directors से मिलना है, producers से मिलना है, इनसे मिलना है, but मैं पूरा दिन इसमें लगा देता हूँ. So now I've consciously decided to lessen the time I spend on social media.
जी एज एन एक्टर आई हैव टू थिंग्स दैट आर कमिंग आउट वन इज क्रैकडाउन सीजन टू एंड द अदर इज अ हॉरर कॉमेडी फिल्म कॉल्ड काकुड़ा दैट कम्स आउट आई हैव टर्न प्रोड्यूसर आई हैव फिनिश्ड वन फिल्म एज अ प्रोड्यूसर कॉल्ड डबल एक्सएल माई सेकेंड फिल्म गोज ऑन फ्लोर इन 10 days सो एक्साइटिंग टाइम्स आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट आई वॉज बॉर्न इन अ टाइम वेयर आई एम गेटिंग टू मेक फिल्म क्योंकि अगर 15 साल पहले मैं आया और 20 साल पहले की बात अगर मैं करूँ तब मैं ये सोच भी नहीं सकता था बट नाउ विथ सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इट गिव्स मी अ टाइम एंड प्लेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड टेल द स्टोरीज दैट आई वॉन्ट टू टेल थैंक यू गाइज गॉड ब्लेस यू हैव अ गुड नाइट जी पहली बार हो रहा है और पहली बार में मुझे अवार्ड मिला है फॉर द मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस ऑन OTT तो बहुत एनकरेजिंग बात होती है क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसकी एनकरेजमेंट जब मिलती है आपको तो अच्छा लगता है और मिड डे जैसे यू नो एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर जो है जो काफ़ी सालों से यू नो काम कर रहे हैं और बहुत माने जाते हैं तो आई एम हैप्पी दैट आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग यू नो इन द फ्यूचर मुझे बहुत सारे लोग हैं यार जो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत आई थिंक आम जिंदगी में जो लोग होते हैं ना जो जो आपको दिखता है कि बहुत यू नो स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर भी अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में चाहे कभी कभी आप देखते हैं कि यू नो साइकिल रिक्शा की बेटी यू नो हैज़ टॉप द एग्ज़ाम एंड स्टफ लाइक दैट मुझे वो चीज़ें बहुत एनकरेज करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं बस यही कहना चाहूँगी यार थैंक गॉड कि जो जो अभी तक मुझे लगता था कि मुझे हमेशा लगता था कि अच्छी सीरीज़ है बट अब लोगों को भी पसंद आ रही है तो अच्छी बात है और अच्छा लगता है कि मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है यू नो पूरा सीरीज़ लोगों को पसंद आ रहा है म्यूज़िक बहुत लोगों को पसंद आ रहा है तो इट्स ऑलवेज रियली रियली नाइस जब आपका काम लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि आप तो इसलिए कर रहे हो ना ताकि लोगों तक पहुँचे और उन्हें अच्छा लगे नहीं अच्छी बात आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड एक चीज़ एक अच्छी हो गई है कि OTT काफ़ी यू नो बढ़ रहा है आगे तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को यू नो अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म चलो एक अच्छी चीज़ तो निकली कोविड से बाकी तो खैर बहुत ही बुरी चीज़ें निकली उससे एक अच्छी चीज़ ये हुई कि OTT बहुत आगे बढ़ रहा है और आई एम सो ग्लैड कि इस टाइम पे मैं एक्टर हूँ क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म पे जी अपकमिंग बहुत सारी हैं जब वो निकलती जाएंगी तो आपको पता चलेगा थैंक यू पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस अवार्ड शो के लिए आया हूँ एंड आई होप कि जितने भी नॉमिनीज हैं उनको ये ना लगे कि अगर जीते या ना जीते उससे कोई फ़र्क पड़ता है बिकॉज अगर आप ऐसे मंच पे आए हो और ऐसे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होते हो तो बहुत बड़ी बात है तो मैं तो बहुत खुश हूँ एंड मे द बेस्ट मैन विन आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में कई कई बार अनफॉर्चुनेटली इनके नेगेटिव कॉनोटेशंस भी होते हैं बट अगर आप दिमाग से खेलोगे और काम करोगे तो आई फील सोशल मीडिया का जो रीच है वो आज के ज़माने में चाहे वो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो ट्विटर हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कलाकार के लिए किसी भी पब्लिक पर्सनैलिटी के लिए आई एम सॉरी
आई मीन कई सारे ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज है, ऐसे एक्टर्स है, ऐसे स्पोर्ट्स पीपल है, शायद आप कह सकते हो रणवीर सिंह डेफिनेटली, आई थिंक वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और सोशल मीडिया का जो उनका जो गेम है भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली रणवीर सिंह। आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, आई जस्ट फील कि हर एक की अपनी सोच होती है और उनकी मर्जी है, वो जो करना चाहे किस तरह से अपने आप को कैप्चर या अपने आप को पोजिशन करना चाहते हैं, तो इट्स ओके, इट्स अ फ्री कंट्री। यार एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, बहुत ही खतरनाक और बहुत रोमांचक नाम है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग अवार्ड एंड अ वेरी नाइस फीलिंग अवार्ड, ऑल दीज ग्रेट पीपल आर हियर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी सम रियली गुड फेसेस एंड गुड फ्रेंड्स हियर। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज मुझे नवाजा जाए अवार्ड से तो मैं बहुत खुशी खुशी घर जाऊँगा और अपने माँ बाप को अपनी फ़ोटो दिखाऊँगा, वीडियो दिखाऊँगा, सो या दैट्स हाउ आई फील। यार मैं सच बताऊँ मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ नेगेटिव दिखे ना, मेरे आंखों के सामने चश्मा लगा हुआ है जिसमें मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, तो सोशल मीडिया से मैं कुछ ठीक ठाक जुड़ा हुआ, ना ज़्यादा पीछे ना ज़्यादा आगे, आई एम जस्ट मूविंग विद टाइम्स एंड एवरीथिंग आई सी ऑन सोशल मीडिया ओनली मेक्स मी फील नाइस, ऑफकोर्स द थिंग्स विच make me disturbed obviously there, but I think everyone should have a perspective, if you're doing something, if you do anything, if there are 10 people in the room, 5 logo acha lagega, 5 ko nahi lagega, so you should always remember that and try to always think that glass is half full, that's what I feel. Thank you so much guys, thank you. By the way, my friend is here today with me, Yukti. मैं कहना चाहूँगी दैट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट इन्फ्लुएंसर्स आर बीइंग अप्रिशिएटेड बिकॉज दे आर ट्रूली एंड जेन्युइनली वर्किंग हार्ड। ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स से कौन नहीं इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज दे आर ऑल ओवर द इंटरनेट, वी सी दैम एवरीवेयर, एंड आई थिंक सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट मार्केटिंग स्पॉट राइट नाउ, सो इन्फ्लुएंसर्स रियली हेल्प। I don't have a specific name, but there are a set of influencers that I follow and I really like their content. Okay, spending time on social media, it's a bit much, but I'm gonna have to reduce it. I'm in the 10th grade right now, so I have to take a break because education comes first. So I'll be back after my 10th. I can't. You're planning to come back after? Of course. Thank you. ये क्या है 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 ये क्या है
I'm very, very excited. I think the category is also very, very good. Thank you for having me. It's an influencer award, so as an actor, I have to fit in every role, I feel. I want to do my best. So now let's see what they have given me. I'm giving flying kisses to my friend. Do not assume anything. Yeah. Oh, it feels good. I think as a fashion, ladkiyan hamesha disturbed rehti hai ki aaj kya pehnu, aaj kya nahi pehnu. Aur ladke hamesha yehi kehte. But I think the role has reversed and balanced. Universe has a balance. And rahi baat chahe fashion, it's not only about the clothes, it's also about the attitude that you have and it personifies who you are actually as your personality. Real or real life mein bahut sare log hai, different personality hai. Mujhe Avneet bahut achhi lagti hai. As an actor, if I see, I love Disha Patni. Mujhe bahut pasand aati hai jis tarah se wo har kirdar ke liye taiyar rehti hai. I love Tapsee Pannu. Mujhe Bhoomi Pedde bahut pasand hai mujhe. So I think there are not one particular, har genre mein aap dekhne jao to नहीं. मैं आपको इंटरव्यू देने में बिजी हूँ, बट आई सी सून. ओके बाय. Rashmi was telling me, I said, "Tu pakka aaj bling pehen ke aayegi." She said, "Jis din tune bling nahi pehna hoga, I know ki tera mood kharab hai." So I think I realized I wear a lot of bling. I love bling. Yeah. Okay, so what are you expecting from tonight's Influencers Award interaction? Well, I'm expecting to meet some friends and just look gorgeous and enjoy my night. That's it. What's the best part about attending an award? Dressing up. I think that is the best part for sure. Hanji. मुझे आर्टिस्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आई लव बियॉन्से. अभी उनकी नई एल्बम आ रही है, सो आई वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. फिर मुझे जेलो अच्छी लगती है, माइकल जैक्सन. मुझे इंटरनेशनल आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं. बाकी ऐसे बहुत लोग हैं, मेरी मम्मी है मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, मेरे डैड, आप लोग, हार्ड वर्किंग पीपल. Any other coming
हाँ यार काम काम तो करना जरूरी नहीं, तो हाउ डू वी ड्रेस अप, वी नीड मनी टू ड्रेस अप राइट, जस्ट किडिंग. आर ए वी हैव सम फॉर फ्यू फिल्म्स एंड वेब सीरीज थैंकफुली आफ्टर कोविड नाउ बॉलीवुड इज ओपनिंग अप अगेन विच इज़ अ ग्रेट थिंग. सो जो भी गाने गाए हैं अब सारे बाहर आएंगे. बाकी अपने खुद के भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब धीरे धीरे धक्का मार के आई हैव टू स्टार्ट रिलीजिंग दैट म्यूजिक ऑल्सो, सो यू विल बी हियरिंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक. सर मैं तो आई एम ऑल फॉर न्यूडिटी, मैं तो उसकी एंटी नहीं हूँ. मुझे लगता है अगर लीगली आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो हर किसी की अपनी मर्जी. आई थिंक ही लुक्स गॉर्जियस. और मैं हमेशा बात बोलती हूँ कि हम आए थे ऐसे ही आए थे दुनिया में, कपड़े हम इंसान ने बनाए हैं, तो इतना क्रिमिनल केस और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. आई थिंक ही लुक्स हॉट एंड आई थिंक इज ओपनिंग द डोर फॉर ऑल ऑफ अस. थोड़ा डर कम लगेगा हमें भी करना पड़े तो, बट आई थिंक ही लुक्स हॉट. आई लव इट. आई मीन वी ऑलवेज गेट टू सी वुमेन राइट, कभी कभी आदमी को भी देखने को मिले अच्छा लगता है ना, व्हाई नॉट. राइट, दे आर दिस साइड, दे आर दिस साइड, सॉरी, दिस साइड और दैट साइड. गाइस चूज वन. ओके व्हिच साइड, लेफ्ट और राइट? राइट. सेंटर हो गया. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी हियर टुडे. और ऑफकोर्स इट्स सच अ नाइस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, ऑल द टैलेंटेड पीपल यू नो, एंड वी ऑल आई फील need that recognition and acknowledgement from time to time because we all put in a lot of hard work. So I think it's such a great initiative by Midday to give all of us that platform where they give us acknowledgement and recognition. Main rising face of Indian television ke liye nominated hu, so fingers crossed. मेरी मॉम, सब लोग मुझे बोलते हैं मैं मेरी मॉम जैसी हूँ, उनकी परछाई हूँ. तो ऑफकोर्स मेरी मॉम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है लाइफ में और बहुत इन्फ्लुएंस भी किया है इन अ गुड वे. और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय प्रियंका चोपड़ा. आई रियली फॉलो हर एंड आई रियली लव हर कॉन्फिडेंस. थैंक यू सो मच. यस आजमा आ जाओ. तो आज जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे साथ है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और ये धमाका बहुत जल्द बिग बॉस में भी आने वाला है, इसको संभाल लेना ठीक है ना. तो अभी आज जो ये अटायर है, मैं आज लग रही है ब्लैक ब्यूटी, और मुझे लगता है कि मतलब मैं जब भी इसके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरा सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ये जितनी चुलबुली है उतना ही नटखट मैं भी हूँ. और आज हमारे साथ आई है तो हमारी सीट भी आज साथ ही है. तो कुछ कहना चाहेंगे आप आगे बढ़ो? तुम्हारे साथ तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है. तो इवेंट्स तो बहुत सारे होते रहेंगे लेकिन हम साथ हैं फर्स्ट टाइम साथ आ रहे हैं हम लोग. बहुत अच्छा लग रहा है, पुणे से आई है बेचारी, इतनी दूर से आई है, तो अच्छा आई होप अच्छा इवेंट ही है. और अंदर खाने को है ना, क्या खाएगी? अरे मैं मजाक करता रहता हूँ, कंट्रोवर्सी में देता रहता हूँ चलते फिरते. नहीं आप एक्साइटेड हो गए ठीक है. यानी कोई सवाल? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. और मैं जो मेरा ये मानना है कि जो भी अवार्ड्स मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स हो, किसी भी फील्ड में अवार्ड्स मिलने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. इट गिव्स यू अ लिटिल पुश. जो भी लोग मेहनत करते हैं सुबह सुबह उठ के 9 बजे से लेके, मैं देखता हूँ कई लोग इन्फ्लुएंसर्स 9 बजे से लेके हर रोज़ 5 बजे तक शूट ही कर रहे होते हैं, तो वो एक उनको एक अवार्ड मिल जाता है तो वो एक मेहनत करने का उनको एक मौका मिल जाता है कि भाई इट गिव्स यू अ बूस्ट, खुद की मोटिवेशन के लिए होता है. तो अच्छे हैं और ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिलते रहने चाहिए. बाकी मेहनत करते हैं सारे लोग,
पर कहते हैं कि बोलो ना कुछ, तुम भी तो बोलो। नहीं 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 तुम बोलो शिवम, तुम्हारा बटन मैंने ऑन कर दिया है, एक्टिवेट मोड हो गया। मैं हमारी बात तो होती रहती है वीडियो कॉल वगैरह पे हम करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, कर्म कर रही है ये लड़की बाहर आने के बाद। जितनी अंदर थी मतलब लोगों ने, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई आजमा बेस्ट, आजमा बेस्ट, आजमा बेस्ट। मैं बोलता हूँ कि बेस्ट नहीं, ये सर्वोत्तम है, इससे अच्छी मतलब इतनी क्यूट एडोरेबल अच्छी इंसान, लोगों गरीबों की मदद करने वाली, मतलब लाइक शीज ये हीरे अपने आप में। लोग कोहिन कोहिनूर कोई रानी के मुकुट पे लगा रहे हैं हमारे, हम अपना कोहिनूर लेके घूम रहे हैं। हो गया, थैंक यू। एक तो इतनी गर्मी कर रखी है तुम लोगों ने यहाँ पे। Hi, this is Roshni Kapoor and I'm as a celebrity guest over here and I'm thankful to IIIA award and midday and Dr. Rachelle, my very dear friend Kunal Thakkar. I'm really really grateful to be a part of this show and this show actually I will say ki ye bahut sare logo ko उनकी पहचान दे रहा है, जो एक्चुअली में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं या कितना क्या है, बट ये उनको उनकी पहचान दे रहे हैं, उनको उनके काम का उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई विल बी मोर हैप्पी इफ आई विल बी विद देम इन द लॉन्ग टर्म। हाँ, बिकॉज जो ये यू कैन से कि एक टीवी के बाद जो ये मोबाइल फ़ोन आया है, इसने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को बाहर निकाला है। उन लोगों ने एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये कहा है कि हाँ ओके वी आर देयर, देर इज़ नो टीवी नाउ, देर इज़ ओनली मोबाइल, आप कहाँ भी कुछ भी देख लो, एवरीथिंग इज़ देयर। सो आई विल जस्ट से ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर गेटिंग अवार्ड्स हियर। थैंक यू सो मच, थैंक्स। सबसे पहले तो मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे स्केल पे हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई थिंक ऐसे अवार्ड्स और भी होने चाहिए क्योंकि आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आई थिंक ऐसे अवार्ड्स और आने चाहिए। आई थिंक मैं हमेशा ऑर्गेनिक जिंदगी का इन्फ्लुएंस देना चाहूँगी लोगों को, कम प्लास्टिक सर्जरी का इन्फ्लुएंस देना चाहूँगी लोगों को और एक नेचुरल जिंदगी जीने का। और मैं चाहूँगी कि रील और रील रहे अलग, लेकिन सबसे ज़्यादा आप जितने नेचुरल रह सकते हो वो मैं इन्फ्लुएंस करना चाहूँगी। मेरी आने वाली फिल्म का नाम है IB71 और संकल्प रेड्डी जिन्होंने गाजी अटैक डायरेक्ट किया उनकी अगली वेंचर है हिंदी में और विजय जामवाल उसमें हीरो है और उसमें अनुपम खेर जी भी हैं, दिलीप ताहिल भी हैं और बहुत सारे ऐसे किरदार नज़र आएंगे, मैं भी आऊँगी उसमें। मैं तो बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे मौका मिला है ऐसे एक्शन हीरो के साथ मतलब काम करने का, क्योंकि आई थिंक वो आज के डेट में पूरे विश्व में वन ऑफ द टॉप मार्शल आर्टिस्ट्स माने जाते हैं, तो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड अमेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड कि मुझे उनके साथ एक्शन करने को मिला है। किस साइड? Thank you.
मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे अवार्ड मिलने वाला है द मोस्ट पॉपुलर एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर, टीन एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर. कि अच्छा है कि सब कुछ अभी ओटीटी पे आ गया है एंड मतलब सब लोग घर बैठे सब कुछ देख पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट. मेरे को कौन इन्फ्लुएंस करता है सबसे ज़्यादा? मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मोटिवेशन तो मेरी मॉम से मिलती है बिकॉज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड मतलब उनसे मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर ही पाऊँ. बहुत खुशी है मिड डे के इस प्रोग्राम के लिए भी मैं आज इधर हाजिर हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है जो आज की पीढ़ी को और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने थॉट से, आइडिया से, एक्शन से, उन्हें यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उनकी स्टोरी शेयर की जा रही है. बहुत ही अच्छा उपक्रम है. मुझे रियल लाइफ में ही लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, रील के भी हो पर रियल लाइफ में उन्होंने कुछ किया हो तभी मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ. तो रियल लाइफ में नरेंद्र मोदी जी है, वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं. रियल लाइफ के जो लोग हैं जैसे हमारे अमिताभ जी है, वो उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी की वजह से मैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ. देखिए इन्फ्लुएंसर्स वो चंद लोग हैं जिनको ये एबिलिटी है कि अपने थॉट्स आप तक बड़ी ही खूबसूरती से पहुंचाते हैं, बट लोगों की भी अपनी एक माइंड है और हर इंसान को अलग इंसान इन्फ्लुएंस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज मेंटल रिक्वायरमेंट और हिज रिक्वायरमेंट फ्रॉम लाइफ. तो हर एक के अलग सेट्स होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. एवरी इन्फ्लुएंसर एंड इन्फ्लुएंस्ड हैव देयर प्लेस एंड अ रीजन. देखिए मैं म्यूज़िक से कनेक्टेड हूँ इसीलिए आप मुझे एंटरटेनमेंट में देखते होंगे. बाकी दैट्स अ पैशन विच आई फॉलो सिंस चाइल्डहुड और उसी में मेरे वीडियोस आते हो या प्लेबैक मैंने कुछ गाए हैं जिसकी वजह से यू सी मी हियर. थैंक यू. हेलो हाय. सबसे पहले तो मैं आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट ग्रुप पब्लिकेशन लाइक मिड डे इज बैकिंग दिस. इन्फ्लुएंसिंग इन अ वे इज स्टिल अ वेरी न्यू सॉर्ट ऑफ करियर वर्टिकल, बट आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई थिंक बहुत सारे जो नए जवान लोग हैं जो पहली बार अपने करियर में यू नो उनका पहला स्टेप है, कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी मिल जाती है उन्हें अपने माँ बाप के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ इट कैन बी अ लेजिटिमेट करियर, राइट? बिकॉज इसके पहले करियर्स क्या थे? डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर. सो आई थिंक इट्स वंडरफुल, इट ओपन्स अप अनदर वर्टिकल, इट गिव्स इट मोर लेजिटिमिटी, मोर रिस्पेक्ट एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. Since we are talking about influences, about what can you tell me, like, who cares or who doesn't have the influences?
यार सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरा मेरी ज़िंदगी में रहा है मेरे माँ बाप का, जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा है. इन्फ्लुएंसर वर्ड नया है पर आई थिंक हम सब के माँ बाप हमें बचपन से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मेरे लिए अभी भी वो OG रहेंगे. मजाक था, उसे मजाक की तरह लेना चाहिए, बट आई एम जेन्युइनली वेरी फॉन्ड ऑफ रणवीर. आई थिंक जिस किस्म का वो काम करते हैं, हमेशा अपने आप को सरप्राइज करते हैं और हम दर्शकों को सरप्राइज करते हैं, एंड ही इज़ अ पीस ऑफ आर्ट मैन. आई लव रणवीर. आई थिंक एज अ ह्यूमन बींग हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, टू कंडक्ट योर सेल्फ, टू होल्ड योर सेल्फ वेल, बट ऑल्सो एज एन एक्टर देयर आर सो मेनी पीपल लुकिंग आउट एट यू एंड ऑन स्क्रीन. मतलब मेरे जो भी किरदार हैं काफ़ी आदर्श किरदार हैं, तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि वही छवि आपको निजी जिंदगी में भी निभानी चाहिए. मैं कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेता, बट आई ट्राई टू लिव माई लाइफ मॉरली, एथिकली, एंड आई थिंक इफ यू लिव ऑथेंटिकली आई थिंक पीपल विल सॉर्ट ऑफ सी थ्रू इट. हाँ, ज़्यादातर लोगों को आई थिंक जो मुझसे मिलते हैं वो सराहना ही करते हैं कि कई लोग हैं, बहुत कम चुनिंदे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो अपनी आवाज़ ऊँची करके बात करते हैं, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट. अगर किसी को ना पसंद आए तो कोई किसी ने मुझे चेहरे पे कहा नहीं है. सोशल मीडिया पे लिख देना बड़ा आसान है क्योंकि उस पर चेहरा दिखता नहीं है. सो आई एक्चुअली यू नो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट I'm vocal and I put my views out there, but thank you. Straight out of the park. You too. Straight out of the park. Hi. सबके लिए आए नहीं, बहुत ही अच्छा एंडेवर है. लोगों को ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स का, और इन्फ्लुएंसिंग यही होती है कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो लोगों के फैंस पे या जिनको वो फॉलो करते हैं. सो इट्स गुड टू ऑनर द हार्ड वर्क जितने इन्फ्लुएंसर्स या जितने भी मेकर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है उनके फैंस पे या देखने वाले लोगों पे. सो इट्स अ गुड एंडेवर. अच्छी बात है, ऑडियंस का अप्रिसिएशन किसको अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है. और शायद इसलिए आज मैं यहाँ इस रात को हूँ भी, क्योंकि वो अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है लोगों पे, फिल्म बहुत अच्छे से रिसीव हुई है. रील और रियल लाइफ में, दोनों में. और रियल लाइफ में अपनी माँ से, और रील लाइफ में विद्युत से, विद्युत जामवाल से. मेहनत चल रही है, नेक्स्ट फिल्म जल्दी शुरू करने वाला हूँ, उसी पे काम चल रहा है. मैं तो हर फिल्म में उनको देख सकता हूँ अपने साथ, वो देख सकते हैं या नहीं पता नहीं, बट मैं तो हर फिल्म में देख सकता हूँ उनको. थैंक यू सो मच. इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, यू नो, व्हिच रिकॉग्नाइज़ेस अ लॉट ऑफ डिफरेंट टैलेंट्स. सो इट्स वंडरफुल, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर recognition for a lot of people across different genres. So yeah, wonderful. Dekhi, I'm inspired by goodness. I'm a singer by profession, and I'm getting this award for you know, for building a children's heart hospital in Fiji, and I think everyone has an opportunity to do good in this world.
और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शोर इतना मच रहा है, मुझे आवाज आएगी. आई एम वेरी एक्साइटेड. मतलब जब मैंने ये सुना था आई वॉज सो हैप्पी एंड थैंक्स मिडे टू गिविंग मी सच अ ग्रेट अवार्ड. कैटेगरी है बेस्ट शाइनिंग इन्फ्लुएंस इन 2022. रियल लाइफ में आई जस्ट लव दीपिका पादुकोण एंड आई फॉलो हर. द वे शी टॉक, द वे शी ड्रेस, आई जस्ट लव हर. I think this is social media, it's the age of Insta, as we say Instagram and social media and the digital age. So is age ko celebrate karne ke liye we need to celebrate all the influencers and go with it, keep up with the times. I think it's a fantastic idea. Kudos to Midday, kudos to Danube, kudos to events for doing this fantastic event, and I'm really looking forward to it because I'm singing in the fashion show tonight. I'm really excited because I'm singing for two designers. This is the first designer, Ritu Goel, and I'll also be singing in the grand finale for Ejaz, and it's a patriotic theme, so it's going to be really, really two very contrasting looks that I'm going to be, you know, sashaying and also singing different kinds of songs. Zarur, okay, main aap sab ke liye एक रीसेंट सॉन्ग जो मेरा आया था वो सुनाती हूँ. जोगिया वे मुंदरा वालिया वे मैं दिल तेरे नाल लालिया जोगिया हाय जोगिया हाय. एंड ऑफ कोर्स माय ऑल टाइम फेवरेट ऑफ योर्स सजना आबीजा, विशाल बी सिंगिंग आल्सो सजना आबीजा सजना आही जा. Thank you so very much all of you for taking out the time. I am hosting the award today, and by God's grace I'm also receiving one, so I'm very excited for both. Abhi hum logo ne Indian influencer iconic awards khatam kiye hain, and here we are at the international awards. So I'm really excited to start this wonderful evening, and there are two sets of awards in the OTT. We called out influencers and people who've influenced the OTT space, the web show space. And in the second one, of course, we got all stars, superstars. I would say koi bhi star chota ya bada hota hai, sab apne apne profession mein aur apne line mein perfect hote hai. So we're looking forward to that, and it's a very good thing ki hum sare ke sare milkar is award show mein aaye hain, jahan pe hum सब आर्टिस्ट को फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स ऑनर कर रहे हैं, एंड वी आर कमिंग टुगेदर एज अ कम्युनिटी टू इनकरेज ईच अदर, पुश ईच अदर. थैंक यू. आर यू गाइस कमिंग इनसाइड? मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, रुकी हूँ. क्या मतलब? बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो आई हो, नहीं तो क्यों आती अगर बुरा लगता. I
एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरा एक्साइटमेंट लेवल हमेशा ऐसा ही रहता है, मतलब ठीक है, आई एम ओके. आई हैव इन्फ्लुएंस्ड पीपल टू अब्यूज मोर, टू ट्रोल मोर एंड टू टेक आउट देयर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी. यस. मैंने ये इसके बारे में क्या बताया, साड़ी पहनी है मैंने थोड़ा उर्फी ट्विस्ट के साथ. हो नहीं रहे वो पहले से थे यार, मेरी वजह से नहीं हो रहे हैं, वो रणवीर सिंह है वो अपनी वजह से है जो है. बट हु डजंट गेट ट्रोल, शाहरुख खान भी ट्रोल होता है, उसकी बेटी ट्रोल होती है, एवरीवन गेट्स ट्रोल एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. Everything has pros and cons. शादी के भी कुछ अच्छी चीज़ें और बुरी भी चीज़ें पर लोग कर रहे हैं. So, but I think social media is more of a boon to all of us. काफ़ी help भी किया है social media ने बहुत लोगों को to earn their bread and butter, including me. Thank you. Thank you. मैं गुजरात से आई हूँ और मैं गुजराती फोक सिंगर हूँ, तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे तो मैं प्योर गुजराती सॉन्ग गाती हूँ. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये फर्स्ट अवॉर्ड है. और बाकी तो मुझे अभी पहली बार आई हूँ तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है मेरे को. यहाँ पे अभी परफॉर्म करना बाकी है मेरा, तो अभी आगे जाके ही पता चलेगा कि कैसा रहेगा मेरा परफॉर्मेंस. Oh, I'm very excited and I'm so grateful that Midi is having me here, and I think there are a lot of fun and exciting people that are here. So yeah, good to be here. The person that influenced me the most, I think my husband. He has a good influence on me, I think. He's always someone I look up to and learn from. So, except from him, I don't know, my mom, you know. I know, I'm not that, you know, someone who gets influenced a lot in what's happening on social media and online and stuff. But yeah, I guess these are some people that I look up to, my family. We are just about to start our pre-production. I'm not allowed to reveal anything right now, but you'll see something very soon. Thank you. Hello. How are you? आपका आवाज़ नहीं आ रहा. आई थिंक डिजिटल मीडिया जो है वो हमारा फ्यूचर है, एंड इनकरेजिंग इन्फ्लुएंसर्स बाय गिविंग देम एन अवार्ड इज़ अ ग्रेट आइडिया, एंड एवरीवन शुड बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क शुड ऑलवेज बी एक्नॉलेज्ड इज़ व्हाट आई फील. तो मेरा जो है आई एम अ लॉट इन टू फिटनेस, आई इन्जॉय वर्किंग आउट अ लॉट. तो मैं इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, एंड दिस इट्स सो मोटिवेशनल, इट्स सो इंस्पायरिंग, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट. बहुत सारे, आई कैन चूज वन. Hi, how are you? I'm good, how are you? Good, thank you. So, firstly, get to know you're looking very pretty. Thank you. And since you're an international influencer, what are you expecting tonight? I'm just, you know, really excited to be here. I was just saying earlier, I don't really go out as often these days. So it's a really great time to catch up with all my old friends and bump into people that I haven't seen in ages. So I'm looking forward to that. Yes, of course. Yeah. So hopefully you'll be having a great time.
Always. Not at all, to be very honest. For me, you know, when it comes to fashion or when it comes to style, it's just about comfort. So I'll put on whatever feels most comfortable for me and then go with that. In real and real, I would, in what way? In style or just generally? Style is a no-brainer. That has to go to my father. He's a legend, legend in style. When it comes to just daily life, I would say my brother. He's you know, very motivating. What is? I'm sorry. Social media. Is it a good thing or a bad thing? I mean, I could never say anything negative about it because it's given me a platform, you know? So, I mean, as long as you use it in good taste, I don't think there's anything wrong in that. Yeah, like I just mentioned, you know, using your platform and using your voice in good taste is very important because there's so many young guys and girls that look up to you, you know. You're a role model to these people, so it's really important to set the right example as much as you can. He definitely, you know, when I began my journey, I was extremely inspired by him. But I can honestly say I've become my own biggest inspiration now because, you know, from my journey from where I started to where I've reached, I feel like is relatable to a lot of people and it's something I'll always, you know, cherish and remember. I mean, I don't really have a comment on that. It's none of my business. If one of them wants to talk about it, they will. Thank you. Thank you. So, that's Indian International Influencers Award, and definitely both of influencers are loved by so many people. See, इस साल आई थिंक मैंने बहुत सारे अपने रंग रूप दिखाए हैं सोशल मीडिया पे, सो दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी एंड आई एम गेटिंग द अवार्ड ऑफ वर्सेटाइल क्रिएटर ऑफ इंडिया. सो आई थिंक मुझे लगता है कि इस साल लोगों ने मेरे बहुत सारे रूप देखे, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो अर्शी के साथ रोमांस हो, चाहे वो फैशन हो. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग द अवार्ड. बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ टीवी सीरियल्स में ही मेहनत है या फिर बॉलीवुड मूवीज़ में ही मेहनत है, बट ऐसा नहीं है. बींग एन इन्फ्लुएंसर आई नो दैट हाउ मच हार्ड वर्क वी आर डूइंग दीज डेज. इवन अर्शी, आई एम मिसिंग अर्शी टुडे. अभी तो अर्शी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है कंटेंट को बनाने में, एंड मुझे लगता है कि किसी भी सीरियल या बॉलीवुड मूवी से कम मेहनत नहीं है बींग एन इन्फ्लुएंसर. आई थिंक एक टैलेंटेड इंसान के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लाइक मुश्किल नहीं है कि नया नया कंटेंट देना, बिकॉज इफ़ आई एम गुड इन फैशन, इफ़ आई एम गुड इन डांसिंग, इफ़ आई एम गुड इन रोमांसिंग विद द गर्ल्स, सो ये मैं वो पढ़ लेता हूँ नब्स कि हाँ अब लोगों को क्या पसंद आने वाला है. इफ़ अर्शी इज विद मी, सो आई नो कि मुझे थोड़ी सी नॉटी हरकतें करनी है. इफ़ आई एम अलोन तो मुझे पता है कि मुझे फैशन दिखाना है. इफ़ सम गुड डांसर इज विद मी, सो आई नो कि मुझे एक अच्छा डांसिंग कंटेंट बनाना है, एंड मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट कर चुका हूँ, सो मुझे पता है कि ऑडियंस को डांस एक्सपेक्ट है मुझसे बहुत ज़्यादा. सो दैट्स वेल लाइक आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ऑलवेज. क्योंकि अभी अर्शी की जो डांसिंग प्रोसेस है वो चालू है, अभी मैं उनको सिखा रहा हूँ बैक टू बैक, अभी रोज उनकी ट्रेनिंग होती है डांस की. सो जैसे ही वो फुल फ्लेज डांसर बन जाएंगी, सो मेरे डांस के कंटेंट थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे. आई एम होपिंग बेस्ट फॉर एवरी वन हु ऑल आर गोइंग इन द हाउस. इवन इफ आई एम गोइंग इन द हाउस, प्लीज मेरे लिए प्रे करना. थैंक यू सो मच, लव यू.
सुपर एक्साइटेड. हमारा पहला पहली बार आया है यहाँ पे, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीवन एंड जस्ट टू बी हियर. ओके, इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड है, ऑब्वियसली लोगों से यू नो या Well, I think I went through the list of the nominations and I have to say that this award has the most interesting amount of nominations, and I think kudos to all influencers. And you know, I think for influencers it's super important that an award show happens dedicated only to them. So really happy to be here and looking forward to the evening. But being an influencer and a person who has been out of the feel good about you, Well, I think it's great, yeah. Today, when you open your Instagram or when you get to know about somebody today, I think we're very fortunate that we're in a time where the lines between actors, models, singers, musicians, and anything to do with the creative arts and influence industry, the lines are disappearing, you know. And pehle aise nahi hota tha. So I think it's great because it's just so nice to be in a platform where just talent is appreciated and celebrated. And just so happy that we could be here tonight. And I think especially for us being musicians, you know, we can influence through our music, and we try to do that every time we release something. We always make sure there's some amount of message, whether it's from us girls or you know whatever. So we try our best, and congratulations to the entire you know, whoever, everybody that's put together this award to make this happen for everybody. Thank you so much. मैं तो हर अवार्ड शो को लेके एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अवार्ड शोज एक अप्रिसिएशन होता है आर्टिस्ट के लिए, तो वो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम साल भर इतना सारा काम करते हैं, 12-14 घंटे शूट कर रहे होते हैं, हर तरीके के यू नो इतना सारा स्ट्रेस होता है सब, तो उसमें एक अप्रिसिएशन मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑफकोर्स अवार्ड शोज़ के थ्रू ही मिल सकता है, तो आई थिंक दिस ये बेस्ट टाइम होता है. रील और रियल लाइफ में मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ जब मुझसे लोग आइडल्स भी पूछते हैं कि मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. मुझे आपसे भी कुछ सीख के जाऊँगी मैं जब यहाँ से जाऊँगी, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो अगर किसी एक को चूज़ करूँगी तो बाकी सबके लिए गलत हो जाएगा. तो एक मुझे लगता है हर साल से ज़्यादा इस बार रील इसलिए भी बनी क्योंकि हर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, सोशल मीडिया का टाइम आता जा रहा है, बिकॉज पहले शायद इतनी चीज़ें नहीं. मैं तो मुझे याद है फेसबुक पे भी 6-7 साल पहले कुछ आई हूँ, मेरे तो घर में अलाउड भी नहीं था फेसबुक चलाना, है ना. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का टाइम आता जा रहा है, तो रील्स बनेंगी ही, ये सब चीज़ें तो होनी थी. बहुत मज़ा आया, आई थिंक उसके थ्रू और बॉन्डिंग बनती है, एंड सब लोग एक्सपर्ट थे वहाँ पर, मुझे तो आधी चीज़ें समझ ही नहीं आती थी रील्स वाली, तो मुझे और 10 चीज़ें पता चली वहाँ पर. एग्जैक्टली, फेजू एंड जनत वर देयर, उनकी इतनी ह्यूज फॉलोइंग है. रोहित सर ने एक बार बोला भी था कि इतनी साउथ अफ्रीका की जनता नहीं है इतनी आपकी फॉलोइंग है, सो ऑफकोर्स उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. डेफिनेटली ऑन अपने सोशल मीडिया की तो बहुत चीज़ें जो मुझे लगता था ओ ऐसा भी होता है, सो या ऑफकोर्स अभी या ट्राइंग टू. चीज़ें बैक टू बैक आती जा रही हैं. वाहेगुरु रूहानिया चैप्टर 2 इज़ देयर एंड पीपल आर रियली इन्जॉइंग इट. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. जैसे ही 2 खत्म होगा 3 भी आ जाएगा, एंड उसके साथ साथ अभी मेरी पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है, तो आई होप पीपल आर इन्जॉइंग दैट ऑल्सो. सो चीज़ें आ रही हैं, ऑफकोर्स वीडियोज़ आर ऑल्सो कमिंग अप, सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर एवरीथिंग. थैंक यू. Thank you.
फिलहाल मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला अवार्ड है और मैं मतलब मैं पहली लड़की हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड से जो मुंबई में मतलब बॉलीवुड में वर्क कर रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मतलब इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब तक की मतलब अंडमान से अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग जल्दी सुने मतलब आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि अरे अंडमान से भी कोई हो सकता है, बॉलीवुड में आ सकता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। जी मुझे एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिल रहा है। जी मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि जब हम काम करते हैं नॉर्मली वर्क करते हैं तो जब ये अवार्ड्स फंक्शंस होते हैं तो इसे एक यू नो एक पावर आता है अंदर कि चलो अभी और काम करेंगे, एक और बूस्ट मिलता है। सो ये सब चीज़ें अगर एक्टिविटीज़ जब होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू।